के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। एसटीएससी बिल संशोधन के विरोध में भारत बंद का महानगर में रहा मिला जुला असर। गोलघर की दुकानों के शटर गिरे, पुलिस प्रशासन रही मुस्तैद। चिल्वाताल थाना के ओंकार नगर महुआतर में युवती को जलाकर मारने का प्रयास करने वाला आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे, एसएसपी ने किया खुलासा। गोरखपुर विश्वविद्यालय एलएलबी तृतीय वर्ष के छात्रों ने कुलपति का किया घेराव, की छात्र संघ चुनाव लड़ने और मतदान करने की मांग। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बीआरडी मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर पर इंसेफ्लाइटिस सहायता पटल का जनपद न्यायाधीश ने फीता काट कर किया उद्घाटन, कहा नौनिहालों की जिंदगी बचाने के लिए न्यायपालिका करेगी हर संभव सहायता। निवर्तमान मंडलायुक्त अनिल कुमार को स्मृति चिन्ह भेंट कर दी गई विदाई, निवर्तमान कमिश्नर ने जताया सभी का आभार। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला स्तरीय स्थायी समिति की बैठक, डीएम ने कहा पत्रकारों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर किया जाए निस्तारण। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रकोष्ठ प्रभारी शिव कुमार पाठक की अध्यक्षता में आयोजित हुई क्षेत्रीय पदाधिकारियों की बैठक, आगामी कार्यक्रम पर बनाई गई रणनीति। दिग्विजय नाथ एलटी कॉलेज द्वारा बुधवार से आरंभ हुई 7 दिवसीय व्याख्यान माला, वक्ताओं ने युग पृष्ठ ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के शैक्षणिक संघर्ष और योगदान पर डाला प्रकाश। नागेंद्र सिंह दाढ़ी बाबा सेवा संस्थान द्वारा मनाया गया स्वर्गीय नागेंद्र सिंह दाढ़ी बाबा का 19वां पुण्यतिथि समारोह। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए डॉक्टर राजेश ने कहा कि अब निःशुल्क होगा जन्म से 5 साल तक के गूंगे और बहरे बच्चों का इलाज। गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनावी प्रक्रिया के तहत कुल 54 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। गिरफ्तारी की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने किया बैठक, दी चेतावनी। और सड़क के किनारे खड़ी होने वाली गाड़ियों से नगर निगम लेगा शुल्क, जाम की समस्या से निजात मिलने की संभावना।